तो हे गाइस, लेट्स स्टार्ट स्टडिंग विद प्रणव राज। और अभी टाइम अराउंड हो रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ घड़ी में। ओके, 8:17 हो रहे हैं। बहुत लोग शॉक भी होंगे कि आज मैं एक से दो वीडियो क्यों बना रहा हूँ लंबी पर। सो गाइस, ऐसा दिन ही है, ठीक है। देखो, मैं वीडियो कैसे शुरू किया था मैं बताता हूँ। ऐसे एक टेबल होता था ये वाला, ठीक है। इसमें मैं क्या करता था, एक साइड बहुत सारे बुक्स रख देता था, ठीक है। यहाँ तक बुक रख दिया, कैमरा यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दिया, तो मैं इसको शूट कर लेता था। लेकिन अब वो स्टार्टिंग में था और आप लोग के सपोर्ट इतना मिला कि आज मैं इस उससे मतलब उससे उठ के मैं आज ट्राईपॉड एक रिंग लाइट लिया। और रिंग लाइट तो आई थिंक मैं उतना यूज़ नहीं करूँगा, पर ट्राईपॉड मैं बहुत यूज़ करूँगा। सो अभी से फटाक से अनबॉक्स कर लेते हैं बिना किसी देर के, और कैमरा सेट करता हूँ मैं कहीं अच्छे से। ओके, पहले लेके आते हैं वो वाइफ वाला। सो दिस इज़ द डिवाइस, इसमें मोबाइल रखूँगा, अच्छे से कैमरा सेट हो जाएगा। और ठीक है, और मेरे साथ एक और आदमी जुड़ रहे हैं, चूंकि मेरे छोटे भाई होने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपरली कैमरा प्लेस हो जाएगा यहाँ, ठीक है। सो या कैमरा प्लेस हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोगों को दिख भी रहा, नहीं दिख रहा आप लोगों को, नो प्रॉब्लम। मैं जस्ट इसको नीचे ले आता हूँ, या डाउन टू अर्थ एकदम आ गया, ठीक है भाई। और परफेक्टली आप लोग आई थिंक विजिबल होगा, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। देख लेता हूँ परफेक्टली विजिबल। फ्रंट कैमरा ऑर्डर में ये हम लोग का ट्राईपॉड है। सो मैं सबसे पहले हम लोग रिंग लाइट को अपनी इनबॉक्स कर लेते हैं, इनबॉक्स कर लेते हैं इसको। यहाँ पे जस्ट कहाँ से चाकू दे, यहाँ पे चाकू दे दे, चाकू कहाँ पे दे यार, ये समझ नहीं आ रहा है इसमें कहाँ पे चाकू देना चाहिए। मुझे चाकू मिल गया इस पर और ये अनबॉक्स हो चुका है। ओह माय गॉड, तो बहुत सारा ताम झाम आया है इसमें, सुसाइड करते हैं। और ये सारे ताम झाम आए हैं, ये आई थिंक फ़ोन होल्डर है। और ये फ़ोन होल्डर है, एक ये ट्राईपॉड मैं थिंक सेट करने के लिए। और ये पता नहीं क्या ही है, और ये आई थिंक ऑन है रिवर्स ये सब। और ये यूएसबी सी है अब, ठीक है। ये सब आया है, ये फ़ोन होल्डर आया है, ठीक है। ओके, जहाँ पैसे नॉर्मली फ़ोन होल्ड हो जाएगा मेरा, ओके। और एक ये पता नहीं क्या ही आया, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। ओके, ये सेटल आई थिंक ये सेट करने के लिए है। एक तो ये स्क्रू है, बाकी एक ये रिंग लाइट है, और इसके साथ ये आया है, इसमें आई थिंक ऑन ऑफ करने का यूएसबी, जहाँ से इसको मैं पावर कर देते हैं साइड। अब मेन प्रोडक्ट है आवर ट्राईपॉड गाइस, जो कि मुझे थोड़ा बहुत महंगा पड़ा, ठीक है, ठीक है। और इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। ओके, ये परफेक्टली बैग में आया है, ठीक है। अभी इसको भी खोल लेते फटाक से। हाँ, अच्छा यहाँ पर तीन तीन पही हैं, ये निकल चुका है। ओके, इसका ये फ़ोन होल्डर है, ये फ़ोन होल्डर इसका में दिया हुआ है। इसका वाला आई थिंक थोड़ा मुझे अजीब लगा, नहीं इसका नीचे वाला है, इसका नीचे से होता है। और इसका यहाँ से ऐसे करना है, ठीक है। और बाकी फिर ये इसका कुछ होगा सिस्टम प्रोसेस, इसको ऐसे खुल जाएगा ये, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, ओके, ये ऐसे पूरा घूम जाता है 360। यहाँ पर मैं आई थिंक मेरा फ़ोन अटक अट जाएगा। इसको यहाँ पे आई थिंक स्क्रू किया जाता है, मैं स्क्रू करके देखता हूँ। भाई लोग, मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे नहीं आता कैसे कैसे क्या होता है, मुझे ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे नहीं पता ये, ओके ये ऐसे उठता है, ओके यहाँ पे ये ऐसे करेंगे तो ये अप जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे मतलब ये मुझे एक मेरी पुरानी गाड़ी इंडिका, ठीक है, उसमें शीशा मतलब ऐसे ही करके उठाया जाता था। देखो ऐसे जैसे उठा रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है, ऐसे करके शीशा डाउन और ऐसे करके शीशा अप किया जाता था। ओके, तो मुझे उसकी याद दिला रही, पर इसको मैं डाउन कर लूँ लेकिन फटाफट। और ये वही है जिसको मैं थर्ड आदमी की बात कर रहा है, मेरा छोटू छोटा भाई। और बाकी ये पूरा डाउन आ चुका है, ठीक है। और मुझे उतना नहीं पता अभी इसके बारे में, मुझे सीखना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा हाउ टू सेटअप। और ये इसका फ़ोन होल्डर है, और आई थिंक ये रिंग लाइट भी इसी में अट जाता है, ठीक है। ये जो है जहाँ पे मतलब ऐसे मतलब कैसे भी घुस जाता होगा, ठीक, मुझे नहीं पता, जो सीखना पड़ेगा ये सब। सो अब मैं इसको मतलब उस दिन तो मैं कुछ नहीं कर पाया, पर हाँ यूट्यूब से मैंने देखा पूरे अच्छे से, और मैंने स्टैंड फाइनली फिक्स कर लिया, और मैंने इस पर एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। मैं ये थोड़े दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट डे नहीं, बहुत दिन बाद मैं एक्चुअली वो अनबॉक्सिंग मतलब वीडियो के बाद ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बीच मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया रिंग लाइट के स्टैंड पे, सो वो वाला वीडियो भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और देखो इसमें सिंपली कुछ होता नहीं, इतना दिखा दो कितना लंबा, ये अच्छा खासा लंबा है, ठीक है, देख पा रहे हो, इतना लंबा है, मतलब अराउंड मेरे हाइट के जितना है, ठीक है, मतलब मेरे हाइट के जितना है, ठीक है, देख पा रहे हो मेरे सिस्टम में, देखो भाई मेरे हाइट के मतलब
यहाँ पे भाई एकदम कितना लंबा है। और सिंपली यहाँ पे एक मैंने दिखाया था USB पोर्ट मिलता है, ये आप लोग पावर बैंक के समय भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे एक मेरा अडाप्टर में लगा दिया, और इसका ये रहा ठीक है कंट्रोल्स के लिए। तो कंट्रोल्स यहाँ पे ओके, आई थिंक थोड़ा ढीला हो गया क्या, या जब ऑन जब ये वहाँ प्लग हो जाता है पावर मिलता है, तो यहाँ पे एक लाइट छोटा चलता है। जब हम इस पावर बटन को क्लिक करते हैं, ओ हाँ ठीक हो गया ठीक है। अब यहाँ से जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को ये लाइट आ जाता है ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को तीन लाइट मिलते हैं। पहले देखो ब्राइटनेस, लोएस्ट ब्राइटनेस है इसकी, इसकी इतनी लोएस्ट ब्राइटनेस है, इसकी इतनी हाईएस्ट ब्राइटनेस है ठीक है। ये एक कलर है, कलर ऐसे आप लोग पता चला, थोड़ा ब्राइटनेस लो करता हूँ। ये एक कलर है, फिर एक ये कलर है, फिर एक ये कलर है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जैसे आप लोग को शक्ल दिखाता हूँ। पहले ये विदाउट रिंग लाइट वाली शक्ल है, ये विथ रिंग लाइट वाली, मतलब विथ रिंग लाइट वाली, मतलब मेरी पूरा बैकग्राउंड ये सब देख पा रहे हो। और अगर मैं इसको, आप देखो फुल ब्लैक, कुछ दिख तो नहीं रहा होगा। अब वही देखो कितना परफेक्ट लग रहा है। और प्रॉपरली अगर हम लोग इसे यहाँ पे ले आए, मतलब जस्ट बोर्ड पे ले आए, तो कितना परफेक्ट रहता है। सिर्फ हम लोग का बोर्ड पे जाता है लाइट ठीक है, और कहीं हम लोग का नहीं जाता है ठीक है। अब इस पे ही वीडियोस आएगी, मेरा नया सेटअप था। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो तक। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके बाय।